महमूदाबाद नगरवाड़ क्षेत्र के लाखों लोगों की श्रद्धा के केंद्र मां संकटा देवी मंदिर का 15 दिवसीय वार्षिक मेला 22 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। 15 दिवसीय मेले के दौरान मंदिर के सांस्कृतिक मंच पर प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कवि सम्मेलन के साथ नाटकों का मंचन होगा। मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष आर के वाजपेयी ने सोमवार को पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि 22 मार्च को MLC पवन सिंह चौहान के द्वारा मेले का उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन के पश्चात भारतीय नव वर्ष के स्वागत समारोह के साथ भाव नृत्य प्रतियोगिता का सेमीफाइनल राउंड संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि 30 मार्च को शाम 7:30 बजे से गजानन एंड पार्टी सीतापुर के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और 31 मार्च को स्वर साधना म्यूजिकल ग्रुप जूनियर लखा एंड पार्टी के कलाकारों के द्वारा भजन संध्या प्रस्तुत की जाएगी और 1 अप्रैल को राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आर के वाजपेयी ने बताया कि 2 व 3 अप्रैल को न्यू भारत नाट्य कला परिषद रहिरा माऊ के कलाकारों द्वारा दोस्ती दुश्मनी व मिशन कश्मीर नाटक का मंचन किया जाएगा। इस वार्षिक मेले को लेकर मंदिर प्रबंध समिति अध्यक्ष आर के वाजपेयी ने बताया। आज पत्रकारों से वार्ता के क्रम में आप सबको यहाँ पर साधना मंत्र किया गया है। हम सब जानते हैं 22 मार्च से वासंतिक नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मैंने भारतीय नववर्ष का शुभारंभ हो रहा है और प्रत्येक वर्ष जगत जननी माँ संकटा देवी जी का पावन वार्षिक मेला नए वर्ष के साथ में प्रारंभ होता है। वासंतिक नवरात्र के साथ में इसका प्रारंभ होता है। इस बार 22 मार्च को मेले का शुभारंभ हो रहा है। 15 दिन तक चलने वाला ये मेला 6 अप्रैल को शानदार आतिशबाजी के साथ में समाप्त होगा। आप सबको वासंतिक नवरात्रि की, भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंदिर आप सबका है, इसके विकास की जिम्मेदारी, इसकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी में जिस तरह से और इसके विकास में जिस तरह से आप सबका सहयोग मिल रहा है, मैं मंदिर कमेटी की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आगे भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक जागरूक पत्रकार के नाते ये महमूदाबाद का ही नहीं पूरे जनपद का और आसपास के जनपदों का श्रद्धा का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है। आप सब जानते हैं कि केवल उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि दिल्ली और मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान तक से यहाँ पर भक्त आते हैं बड़ी संख्या में। उनकी सुख सुविधाओं में कैसे वृद्धि हो, इस मंदिर का कैसे और समुचित विकास हो, इसमें आप सबका सहयोग मिलता रहा है और आगे भी हम विश्वास करते हैं कि आप सबके सुझाव यहाँ पर मिलते रहेंगे और आगे जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने में हम आप सबके सहयोग से कमेटी सफल होगी। एक बार फिर से आप सबको मांगलिक शुभकामनाएं देते हुए, वासंतिक नवरात्रि की शुभकामनाएं और नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए, जो थोड़ा सा कार्यक्रम है मैं आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। 22 मार्च को पहले महाआरती होगी और ये महाआरती 22 मार्च से लेकर के पूरे वासंतिक नवरात्रि माने 30 मार्च तक होगी। प्रतिदिन शाम को 7 बजे से आरती होगी महाआरती, और महाआरती के पश्चात उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सम्माननीय सदस्य श्रीमान पवन सिंह चौहान जी द्वारा मेले का शुभारंभ किया जाएगा। 22 मार्च को ही मेले के शुभारंभ के पश्चात यहाँ से भारतीय नववर्ष को लेकर के एक छोटा सा कार्यक्रम और इसके बाद में भाव नृत्य प्रतियोगिता का सेमीफाइनल राउंड ये संपन्न। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।